तो चलो आज हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि स्त्री टू और वेदा का क्या स्टेटस है। देखो जो लोग बोल रहे हैं कि भाई खेल खेलने का स्टेटस भी बताओ, तो भाई खेल खेलने का इन लोगों ने एडवांस बुकिंग शुरू नहीं किया है, पता नहीं क्यों। लेकिन अक्षय कुमार को ऐसे ही मेकर्स मिल जाते हैं जो उसकी बजाने में तुले हुए रहते हैं। अब टी सीरीज बाकियों का तगड़ा एडवांस बुकिंग जल्दी जल्दी कर देता है। याद करो भूल भुलैया 2 का एडवांस बुकिंग इन लोगों ने जल्दी ओपन किया था जब कार्तिक के साथ। अब इस बार अक्षय के साथ आ रहा है तो भूषण कुमार और कृष्ण कुमार सोए हुए हैं। ये टी सीरीज की खासियत है, मैं कुछ नहीं कर सकता उस मामले में। 1200 का एडवांस बुकिंग हुआ है, सिर्फ दो तीन जगह पे, दो तीन स्टेट्स में भी नहीं हुआ है शायद ओपन, कुछ प्लेसेस पे हुआ है। बट एक बात जरूर बोलूंगा, एवरेज वाइज बहुत कम है एडवांस बुकिंग। मतलब जहाँ पे शुरू हुआ है वहाँ पे भी कम नहीं होना चाहिए था, मतलब उससे भी ज़्यादा आंकड़े चाहिए थे। भले 1000 वाला आंकड़ा अगर दिखेगा ना, मान के चलो वो 3000 टाइप का चाहिए था। ये मैं आपको एक पहले ही बता दे रहा हूँ, मतलब बाद में ये मत बोलना कि हम सरप्राइज हो गए भाई, ये क्यों हुआ। वेदा की बात करें तो 16000 का एडवांस बुकिंग हुआ है, खाली अभी शुरू हुआ है। एडवांस बुकिंग स्लो है बट देर इज नो कॉम्पिटिशन। एक्चुअली रियल जो पावर है वो स्त्री टू में है, बाकी किसी का ये एक्चुअली ये बेवजह आए सच बोलूँ तो, सॉरी टू से बट जरूरी नहीं था क्लैश का। अब स्त्री टू की अगर मैं बात करूँ तो भाई 75.7 लाख का एडवांस बुकिंग हुआ है और 95 लाख का एडवांस बुकिंग विद ब्लॉक सीट्स हुआ है। विदाउट ब्लॉक ब्लॉक सीट 75 लाख पकड़ो, चलो कट टू कट मैं ले रहा हूँ आपको एक डायरेक्ट आंकड़ा, तो ये बहुत आगे है। अब आप बोलोगे नहीं थोड़ा सा प्रीमियर शो, देखो मैं अक्षय के फैंस को एक ही बात बोलूंगा, 3-4 साल से आप यही एक बोल रहा हूं मैं, 3-4 साल से आप ये करते रहते हो कि यार बाद में मिल जाएगा बाद में मिल जाएगा, उठते हैं इतना कुछ नहीं। देखो मैं झूठी तसल्ली नहीं दिला सकता आपको, आप एक बोलो 3-4 साल से आप वही सोच रहे हो, हुआ क्या? वो सिर्फ OMG 2 के वक्त हुआ, वो भी आप बोलोगे फिर 15 अगस्त। भाई वो टू वे क्लैश था, जेलर को मैं नहीं बोल रहा हूँ बट वो वैसे टू वे क्लैश था। यहाँ पे बॉलीवुड की 3 फिल्में आई है और साउथ की 3-4 आने वाली है, तो ये बड़ा क्लैश। उसमें से OMG 2 गदर 2 दो बड़ी फिल्में आई थी, उसके बाद बॉलीवुड ने कोई तीसरी फिल्म नहीं यूज की थी। इस बार तीन तीन फिल्में बड़ी आ रही, तो स्क्रीन्स वैसे भी तीन इसमें डिवाइड होने वाले। तुम कितना मन को तसल्ली देने का सोचोगे? मैं तुम्हारा मॉरल नहीं डाउन कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। ये बहुत वर्स्ट ओपनिंग मिलने के चांसेस है अगर ये लोग एडवांस बुकिंग ओपन नहीं करते। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि अगर एडवांस बुकिंग ओपन भी किया, मुझे पता है टी सीरीज वाले डरे हुए हैं, उनको पता है कि उनको भी बिलीव नहीं है आज अक्षय के फैंस का क्या होगा रिएक्शन। क्या पता वो एडवांस बुकिंग ओपन कर देते लोग। और भाई ये मत बोलो कि कंटेंट वंटेंट है, आराम से आएगी फिल्म में, फिर तो कंटेंट बहुत सी फिल्मों में भी था यार। देखते हैं क्या होगा, मैं प्रैक्टिकल बोलने वालों में से हूँ, मैं झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। मैं उस यूट्यूबर जैसा नहीं हूँ जो अक्षय के फैंस को बेवकूफ़ बनाते रहता है और झूठी उम्मीदें देता है। मैं प्रैक्टिकल बोलता हूँ, बुरा लगे तो लगने दो बट एटलीस्ट हर्ट नहीं होते हो आप। आपको झूठा वो जो दिखाता है सपना और बाद में आप हर्ट होते हो, फिर भी आप उस पर ही ट्रस्ट करते हो, ये आपकी गलती है, सोचना इस बारे में। एंड स्त्री टू एट प्रेजेंट अनबीटेबल लग रही है।